लंबे अंतराल के बाद आप कह सकते हैं दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ, ये तीन फेस्टिवल ऐसा होता है जिसमें चाहे अनचाहे बच्चे छुट्टी में इन्वॉल्व होते ही हैं और एक लंबी छुट्टी के शिकार भी हो जाते हैं। एक बार जब छुट्टी में जाते हैं तो उनका जो टेम्परामेंट होता है, उसका जो स्पीड होता है, उनका जो पेस होता है, सब प्रभावित होता है। तो स्पीड, टेम्परामेंट और पेस को मेंटेन करना इतना आसान भी नहीं होता है। उसे आसान करने की कोशिश करते हैं बच्चे, लेकिन ये अचानक 2-4 दिनों में नहीं होता है, उसमें एक फिर से लंबा वक्त लगता है। इसीलिए हमेशा बच्चों को ये एडवाइस दिया जाता है कि छुट्टी आपको तब लेना है जब आपका सिलेक्शन हो जाए। मेडिकल या इंजीनियरिंग या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होता है, जिसे हमेशा मेंटेन करना चाहिए। आप कितने टैलेंटेड हैं ये बिल्कुल मतलब नहीं रखता है कॉम्पिटिशन में। जरूरी है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, कितने समर्पित हैं, कितना रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सारे इन्ग्रीडियंट है जो आपके रिजल्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब बच्चे आए हैं, इस बीच में मैं क्लासेस में जा रहा हूँ, बच्चों से बात कर रहा हूँ, उनकी परेशानियों को समझ रहा हूँ, तो कुछ पॉइंट्स निकल कर जो सामने आते रहे हैं ऐसे दिनों में, वो साझा करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। तो एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ है कि इतने लंबी छुट्टियों में जहाँ एक तरफ पढ़ाई और पेस कमज़ोर हुआ है, उसी तरफ दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक बैकलॉग का जो प्रेशर है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा माउंट हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आपको कि एक तरफ जो पहले पढ़ा हुआ सिलेबस था उसमें इतने सारे पार्ट छूटे हुए हैं, ये इतने सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए हैं, ऊपर से ये करंट टॉपिक है जिसे समझना है, पीछे की चीज़ों का बैकलॉग को क्लियर करना है, ये सब एक साथ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और जाहिर सी बात है इस बीच में पढ़ाई भी आपकी नहीं हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे ट्रैप हो जाते हैं और कई बार मैंने देखा है कि वो गिव अप करने के स्थिति में आ जाते हैं। वो चाहते हैं अच्छा करना, बट जब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो मोटिवेशन का कोई कारण कैसे बनेगा। साथ ही साथ आपके पेरेंट्स भी अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फेस्टिवल में वो आपको बुलाए, आप चले गए, उनके साथ समय साझा किया, उनकी खुशियों में आप शरीक हुए, लेकिन अब जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको देना है या हमें देना है। तो हमें और आपको जब जवाब देना है तो हमें आपको ज़्यादा अपने काम के प्रति संजीदगी के साथ, जवाबदेही के साथ अपने काम को करना है। तो संस्थान तो अपना काम कर ही रहा है अपने उस तरीके से, वो सारे शेड्यूल, सारे प्रोग्रामिंग आपके लिए, आपके फेवर में बनाया है। और आगे मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि जिस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, आपने अगर उसे समझा और उनके बताए हुए तरीके से अगर आपने अपने को आगे लेकर बढ़ाया, तो निश्चित रूप से थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक बेहतर रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो प्रॉब्लम आया है बैकलॉग का, प्रॉब्लम आया है कम मार्क्स आने का, प्रॉब्लम आया है फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होने का, कॉन्फिडेंस गिरने का, इंटरेस्ट कमज़ोर होने का, पेस कमज़ोर होने का, इन सब का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। संक्षेप में 2-3 सजेशन मैं दूंगा, इस काम को करें और जहां कहीं परेशानी होती है हम लोगों से आकर मिले। हमारे सिस्टम में लोग बैठे हैं, वहां तक आए का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप धीरे धीरे आप हमारे तक पहुंच सकते हैं। मेरे से मिलने का भी कुछ तरीके हैं जो मैं बच्चों के सामने रखता हूं, वेबिनार है, सेमिनार है, या फिर पर्सनली कुछ बच्चों का जब मैं क्लासेस लेता हूं इकट्ठा करके, तो फिर उस क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो मशवरा है उसे गौर से समझिए। पहली बात ये कि जो छूट गया उसे छोड़ दें। जो छूट गया है उसके बारे में अगर चिंता करेंगे तो इस समय करेंट टॉपिक और छूटे हुए टॉपिक को एक साथ आप नहीं कर सकते फॉर श्योर। तो बेहतर विकल्प क्या है, सपोज 45% या 50% चैप्टर्स आपके फिनिश हुए हैं, 50% चैप्टर आपके बचे हुए हैं, तो बचा हुआ जो 50% है उससे जितना बेहतर कर सकते हैं बेहतर कर लीजिए। क्योंकि जिस दिन क्लास ख़त्म होगा उसके बाद फिर से मैं रिवीजन का मौका दूंगा, वो सारे चैप्टर्स जो सी लेवल का है, मतलब जो टफ लेवल का कुछ चैप्टर रह गया जिसे या तो आपने समझा नहीं, टीचर ने आपको नहीं समझा पाया उस लेवल पे, या आप कहीं बीमार थे, क्लास छूट गया था, आपकी स्पीड कमज़ोर हो गई थी, कोई भी कारण से यदि वो चैप्टर आपका कमज़ोर रह गया है, उसे दोबारा हम आपको मौका देंगे रिवीजन के साथ, डाउट क्लास के साथ सपोर्ट दूंगा उस तरीके से उसे पूरा करने के लिए। इसलिए उस पार्ट को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे तो वो तो पूरा नहीं कर पाएंगे इतने कम समय में, और साथ ही साथ जो करंट टॉपिक है वो भी आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरा मशवरा है जो छूट गया उसको फिलहाल छोड़े, जो करंट टॉपिक चल रहा है पूरा समर्पण भाव उस पे दें, और ये सोच के साथ दें कि जो बचा हुआ 50% चैप्टर है वो सब चैप्टर को बेहतर से बेहतर हमको बनाना है। मतलब ए, बी और सी लेवल के चैप्टर जब डिवाइड करने हो तो अभी जो बचा हुआ 50% चैप्टर है वो ए लेवल का हो या बी लेवल का हो, सी लेवल का चैप्टर नहीं होना चाहिए, और ये तभी होगा जब करेंट टॉपिक पे आप पूरे तरीके फोकस करेंगे।
जो छूट गया है उसका रिवीजन का मौका मैं दूंगा, और ऐसा नहीं होगा कि जो छूटा हुआ 50% चैप्टर्स जो आपका पहले पास हो चुका है उसमें सारे चैप्टर्स सी लेवल के तो नहीं होंगे, कुछ चैप्टर सी के लेवल के रह गए होंगे और कुछ ए और बी के भी होंगे। तो जब आपका सिलेबस समाप्त होगा और फिर से रिवीजन के लिए आप साथ मेरे होंगे तो सी लेवल का ओवरऑल संख्या कम होगा। यदि अभी करंट टॉपिक को छोड़कर बैकलॉग पे ध्यान दीजिएगा तो करंट टॉपिक में भी बहुत सारे सी हो जाएंगे और पहले से जो सी था वो तो रह ही जाएगा। कुल मिलाकर रिवीजन के बाद एक बार फिर से सी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और ऐसे कंडीशन में आप बेहतर रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आपका परफॉर्मेंस नहीं सुधर पाएगा और फिर कॉन्फिडेंस गिरेगा और इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप गिव अप कर देंगे। यही होता रहा है पहले के दिनों। इसलिए छूटे हुए पार्ट को छोड़े और करंट टॉपिक पे फोकस करें। करना क्या है तो वही 5 स्टेप जो हमेशा आपको बताया जाता है, क्लास में आने से पहले एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश करें, समझ में आए या ना आए ये पहला स्टेप है। क्लास में जब आए तो समझे हुए चीज़ों का रिवीजन कर लें, जो नहीं समझ में आया ऑब्वियस है कि उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन टीचर के साथ कनेक्शन ज़्यादा बनेगा और आप ज़्यादा बेहतर समझ पाइएगा। स्टेप नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करता है, तो उस पार्ट को ध्यान से समझिए कि आप 3rd स्टेप मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। क्वेश्चन बनाते समय सिर्फ एक बात अपने को समझाना है कि 100 में 100 क्वेश्चन मुझे नहीं बनाना है, जो 60-70% क्वेश्चन आसानी से बन जाता है हर बच्चों से, ये क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व कर लेना है। इसमें समय कम लगेगा, इसमें परफॉर्मेंस जब सुधरेगा तो एक्यूरेसी भी रहेगा और कम समय के कारण आपके आगे के चैप्टर्स छूटेंगे नहीं। तो आसान आसान क्वेश्चन जो 60-70% रहता है मॉड्यूल में, सिर्फ इतने ही बना लीजिए। अगर एक बार बेस कंट्रोल में आ जाए, वो मजबूत हो जाए, टीचर के साथ स्पीड में आप चलते रहें, तो निश्चित रूप से रिवीजन के समय इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, उस पॉइंट्स पर आप बिल्कुल ध्यान देकर और उसी पर सिर्फ फोकस करें कि अभी जो करेंट टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे बन सकता है उसी क्वेश्चन को आप बनाएं, जो नहीं सॉल्व होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए एक प्रयास करें, रिवीजन करें आप फिर से एनसीईआरटी से या अपने दोस्तों से पूछकर और लास्ट में डाउट पूछकर। अगर हो सकता है कि 60-70-80% तक पहुंचता है, 10-20-15-25% क्वेश्चंस नहीं भी बनते हैं, उसको छोड़ दीजिएगा, रिवीजन के समय वो निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा, ये मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो 20% क्वेश्चन को लेकर आप बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका टॉपिक कमज़ोर रह जाएगा, करंट टॉपिक अधूरे रह जाएंगे और पीछे का पार्ट भी आपका अधूरा होगा, वो पूरा नहीं हो सकता है। तो पहला स्टेप एनसीईआरटी पढ़कर आना, दूसरा स्टेप क्लास को बेहतर तरीके से समझना, तीसरा स्टेप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करना और CTW को ईमानदारी से फिल्टर करना, चौथा स्टेप कि CTW को एक बेहतर एनालिसिस के स्वरूप में उसको लाना, मतलब NCERT से उस क्वेश्चन को जो कन्फ्यूजन हुआ, जो टफ या रॉन्ग हुआ है उसे क्लियर करना, और उसके बाद अगर क्लियर नहीं होता है तो टीचर का कॉपी का हेल्प लेना, फिर से क्लियर नहीं होता है तो दोस्तों से पूछना, और लास्ट में टीचर से जाकर क्वेश्चन पूछना। तुरंत गलती क्वेश्चन को टीचर के पास जाकर पूछेंगे, टीचर बता देंगे, आपको समझ में भी आएगा बट 20 दिन के बाद भूल जाइएगा। तो आप ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसे ध्यान रखना आपको, कि क्वेश्चंस जब CTW फॉर्म में आपके सामने फिल्टर होता है तो ये सबसे प्रीसियस पार्ट है आपका, जिसे आप देखकर डर जाते हैं, जिसे देखकर आप परेशान होने लगते हैं, वो CTW ही है जिसे आप लेकर NCERT में सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं। एक बार CTW को NCERT में जाकर सीखते हैं तो कई क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ और भी निकल कर आता है, जो एग्जामिनेशन में आने वाले टाइम में पूछा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट पॉइंट्स हम लोगों ने मिस्टेक कॉपी और रिकॉल डायरी की बात कही है हमेशा, कि एनालिसिस में थोड़ा वक्त लगेगा, परेशान नहीं होना है। एनालिसिस में जो वक्त लग रहा है ये आगे जाकर बहुत सारे वक्त को बचाएगा। अभी हो सकता है कि इतना करने में आपको समय लगे, अभी समय है, बाद में समय बहुत कम पड़ जाता है, इसलिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और भूलने वाली चीज़ें हों, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो, उसे रिकॉल डायरी में या मिस्टेक कॉपी में लिख लें। यदि आप ए लेवल के चैप्टर देख रहे हैं, ए लेवल का चैप्टर आपके सामने है, मतलब 80% तक क्लियर है, तो 20% जो गलत हो रहा है ना, वो गलतियों को अपने मिस्टेक कॉपी में लिखें, रेगुलर रिवीजन रखें, दोस्तों के साथ डिस्कशन करें, पॉजिटिव माइंडसेट से पॉजिटिव नोट पे अपने आप को लें, कभी भी डिमोरलाइज ना हो, कभी भी कम मार्क्स आने पे परेशान नहीं हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही कम मार्क्स होता है, परेशानी होती है, आप डेविएट हो जाते हैं।
और ये ज़रूरी है कि आप डेविएट ना हो, जो रास्ते बताए गए हैं उस पर लगातार चलते रहें। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन निश्चित रूप से उस रास्ते पर चलते हुए आपको उसके रिजल्टेंट सामने दिखेंगे। तो एक बार फिर से जितने भी स्टूडेंट घर से आए हैं, एक जो लंबे अंतराल के बाद जो स्लॉग ओवर चल रहा है आपका, आपके पढ़ाई का जो टेम्परामेंट कमज़ोर हुआ है, घबराहट हो रही है, अपने को अंडरस्टिमेट कर रहे हो, पेरेंट्स को भी जवाब देना है, फ्रेंड्स को भी देना है, अपने आप को देना है, टीचर्स को देना है, इतनी सारी चीज़ों को जो एक साथ आप लेकर चल रहे हो तो निश्चित रूप से ये और ज़्यादा परेशान करेगा। ज़रूरत नहीं इसकी है, जहाँ पर हो वहीं से शुरू हो जाओ, जितना कर सकते हो उतने ही करो, बट करना होगा। ये ईमानदार प्रयास ही आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। बाकी हाइपोथेटिकल दुनिया में नहीं जिए, कहीं परेशानी होता है तो वहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन करते रहेंगे, ऑनलाइन से न तो नीट वाले क्वेश्चन पूछेंगे, न NTA को पूछना है, न हम लोगों को पूछना है, तो आप पढ़ेंगे समझ में भले ही आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यथार्थ चीज़ों को समझें, NCERT के लाइन को कई बार पढ़ें, क्योंकि NCERT को जितनी ज़्यादा पढ़िएगा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चंस उस लाइन से निकल कर आएगा। दो बार पढ़ें तो शायद एक क्वेश्चन निकल कर आता है, लेकिन 10 बार पढ़ने पर उसी लाइन का 8 क्वेश्चन बनकर सामने आता है। तो ये बात आपको समझना होगा। धैर्य के साथ अपना आगे कदम बढ़ाते रहें। दिक्कत हो तो हम लोगों से बात करें, कोई वेबिनार कोई सेमिनार मिस ना करें। जहाँ कोई नहीं सपोर्ट कर रहा हो वहाँ पे गोल संस्थान के लोगों के साथ मिलकर आप रास्ते ढूंढ लें, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अगले बार फिर से मिलेंगे सेमिनार या वेबिनार में। तब तक हम लोग एक दूसरे को शुभकामना दे सकते हैं, आपसे भी हमें शुभकामना चाहिए और हमें भी आपको देना है। तो मेरी शुभकामना आपको बेहतर मेहनत, एक अच्छे आत्मविश्वास और लगातार प्रयास। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।